हुए थे और अपनी मांग उठाई थी। आरडीसी राजपथ कमांडर, पीएम अवार्ड कैडेट्स, पैरा कैंप होल्डर्स काफी यहाँ पर अच्छे। आपने अपनी मांगों को लेके क्या क्या कहाँ कहाँ बात करी? हमने हमारी मांगों मिनिस्टर से हमने हमारी मांगों को लेकर एकता और अनुशासन के साथ प्रत्येक जिले में गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्रालय के नाम पर कलेक्टर महोदय को लेटर सौंपे थे और आज 7 महीने बाद हम यहाँ नई दिल्ली जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे। लेकिन आपने लेटर सौंपा तो क्या आश्वासन सरकार की तरफ से? हमारे को आश्वासन मिला कि आपकी आवाज पहुंचा दी जाएगी और अभी भी हमारे लेटर्स देखकर उनपे ज्ञापन की जो रिसीविंग है हमें दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की वहाँ की रिसीविंग हमें मिल चुकी है लेटर्स पर। और मैं कहता हूँ अगर हमारी मांगे 48 घंटे का हमने अल्टीमेट दिया है, हम गरीब छात्र गरीब फैमिली से है, दिल्ली में हम लोग नहीं कर सकते ज्यादा वक्त समय तक, लेकिन हम क्रोध भगत सिंह का, अनुशासन गांधी का लिए चलते हैं और हम अपनी मेहनत का हक छोड़ेंगे नहीं। 26 जनवरी तक हम लोग कंटिन्यू हर प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक एनसीसी कैंप में हम एनसीसी कैडेट्स भूख हड़ताल पर रहेंगे और अपने हक को मांगे। तो आपकी डिमांड क्या है सर? हमारी डिमांड है हम एनसीसी कैडेट्स स्कूल और कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करते हैं, 5 और 3 साल की मेहनत के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलता है तब तक उम्र हो जाती है 20 और 21 वर्ष। अब जब सेना में ही हमारे को केवल सेना में हमारे को फायदा है और जब 20 और 21 वर्ष पूरी हो गई तो हम भर्ती कैसे देख पाएंगे? और जो रही जो स्पेशल एंट्री की बात, उसमें हमारे को सीटें मिलती कहाँ है? नाम मात्र सीटें हैं। गर्ल्स के लिए केवल 4 सीटें ऑल इंडिया पर रिजर्व है, बॉयज के लिए केवल 47 सीटें। ये कहाँ का न्याय है? आज हर तरह के आरक्षण लागू है लेकिन हम एनसीसी कैडेट्स को प्रत्येक नौकरी में बेनिफिट नहीं है, बोनस अंग नहीं है। हम लोग कहाँ जाए ओवर एज किस उम्र में सर्टिफिकेट लेकर, और कहाँ जाए हम लोग ये सर्टिफिकेट लेकर, इतने अचीवमेंट्स लेकर, ये ट्रेनिंग लेकर हम कहाँ जाए? इसलिए हमारे को प्रत्येक नौकरी में बेनिफिट दिया जाए, 2 साल की उम्र में अतिरिक्त छूट दी जाए और 5% बोनस संग और आरक्षण दिया जाए हम एनसीसी कैडेट्स को, ताकि हम इस योग्यता का उपयोग ले सकें और ये एनसीसी इसी तरह से चलती रहे, इसी प्रोत्साहन के साथ चलती रहे। आपकी मांगे पूरी नहीं तो आपका अगला कदम? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमने 48 आवर्स का अल्टीमेट दिया है। मैंने कहा हम एनसीसी कैडेट्स यहाँ इतने पाबंदियों के बाद भी 1000 से अधिक की संख्या में एकत्रित हुए अलग अलग राज्यों से, तो ये सरकार समझ ले इस चीज को, नजरअंदाज नहीं करे। नजरअंदाज किया तो 26 जनवरी को होने वाली परेड पूरी तरह से बाधित होंगी। हमारे आरडीसी 2020 में जो कैडेट्स है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपके ऑर्डर से पहले हम भाइयों की बात सुनेंगे, हम जो सीनियर्स हैं हमारी बात सुनेंगे और वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। 26 जनवरी की परेड हर सिचुएशन आप जैसे चाहेंगे रोकने की, किस तरह से रोके आप, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। हमारी भूख हड़ताल होगी और हमारी एक ही, इस तरह का आप रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारा समस्या का समाधान हो। आप किसी तरह के ऑर्डर्स देकर हमें नहीं रोक सकते।